विभागों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विभागों को लेकर बोली लगाई जाने लगी है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि उनकी सोच ही ऐसी है। साथ ही यह भी कहा कि समय पर विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद उनके पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है और इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये साफ तौर के ऊपर मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है, देरी हो रही है, इससे नुकसान जनता जनार्दन का हो रहा है। सरकार बन गई, 3 हफ्ते तक कैबिनेट नहीं बन पाया, अब कैबिनेट बना है आखिरकार, तो विभागों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि नीलामी हो रही है विभागों की। इससे पहले कैबिनेट के मंत्रिमंडल में जगहों की नीलामी चल रही थी, बोलियां लगाई जा रही हैं। जब बोलियां पूरी हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में विभाग आवंटित हो जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि ये कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट का लंबा इंतजार नहीं, थोड़ा सा इंतजार और उतना जायज है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है, उनके नाम सामने आए हैं, तो उसमें समझ में आता है एक्सरसाइज हुई है। रही बात पोर्टफोलियो की, तो कांग्रेस चिंता ना करे, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर लेंगे, ये उनका अधिकार है। कांग्रेस बेचैन क्यों है? दरअसल क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सोच, कांग्रेस की सोच यहीं तक है और इसी कारण कांग्रेस के वध से बदतर हालात हो चले हैं, क्योंकि इससे उठ के कांग्रेस सोच नहीं सकती। मंत्रियों के विभागों पर चर्चा पहले भी होती रही है, हालांकि इस बार कई दिग्गज नेता हैं जो मंत्री बने हैं, लिहाजा इस पर अब सियासत भी हो रही है। कर लेते हैं कांग्रेस की, अब बात कर लेते हैं सरकार की। बात हो गई कांग्रेस की, बड़ी बैठक भोपाल में बुलाई गई थी। इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक के बाद एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बयान दिया, वहीं जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष अगले आदेश तक काम करते रहेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में कई तरह के सुझाव भी आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवा टीम बनाने की बात कही और कहा कि कांग्रेस में मैं नहीं, हम के साथ आगे काम होगा। अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। दिन भर की मैराथन के बाद कि हमारा संगठन युवा हो, नया हो, सक्रिय हो, आपस में संवाद हो और माइक्रो लेवल पर हर तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ का हो या वर्कर का हो। मैं मानता हूं हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी और एक साथ जनता के लिए विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के सपने को साकार करेगी।